भाई अगर आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है तो सिंपल है, आपके पास अपना खुद का एक गूगल अकाउंट भी होगा जिसे हम आमतौर पर जीमेल अकाउंट कहते हैं ना। तो अगर आपके पास अपना एक खुद का जीमेल अकाउंट है और वो एक दो साल पुराना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल अकाउंट के कुछ ऐसे हाइडन छुपे हुए सेटिंग बताने वाला हूँ जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं है। और पता होगा भी कैसे, क्योंकि ये सारे सेटिंग इतने खुफिया है के पहले दिखते ही नहीं है, और जब दिखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि इन सेटिंग का क्या करना है। बट मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और जान लीजिएगा उन सभी सीक्रेट सेटिंग के बारे में जो आपके गूगल अकाउंट को और भी ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं और साथ साथ में आपके गूगल अकाउंट को हैक होने से भी बचा सकते हैं। तो सारे सेटिंग काफी कमाल के, तो चलिए यहां पर मैं आपका टाइम पास नहीं करता हूं और एक एक करके सारे सेटिंग के बारे में बताऊंगा। बट जो लास्ट वाला सेटिंग है ना, वो आप जरूर से देखिएगा क्योंकि वो आपके अकाउंट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। तो सबसे पहला जो हमारा सेटिंग है वो किस चीज के ऊपर है और कैसे काम करता है वो पहले आप समझ लीजिए। देखिए आज का वक्त है ना स्क्रीन कास्टिंग का है, यानी कि आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन की स्क्रीन किसी भी डिवाइस के साथ कास्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन किसी दूसरे डिवाइस पे भी जा सकती है, चाहे वो टीवी हो या फिर कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर किसी का डिवाइस भी क्यों ना हो। तो यहां पर एक ऐसा सेटिंग है जिसे अगर आपने ऑफ रखा है ना, तो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन अगर किसी दूसरे डिवाइस पे कास्ट हो रही है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हालांकि बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग ऑन होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि ये सेटिंग ऑफ भी होता है। तो अगर ये सेटिंग ऑफ है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन किसी दूसरे डिवाइस पे चल रही है। तो आपको बस इस सेटिंग को ऑन करना है। कैसे ऑन करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट में। तो यहां पर आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल है, आप गूगल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बट आपको जाना है डिवाइस एंड शेयरिंग में। सिंपल आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बट सबसे पहला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कास्ट ऑप्शन के नाम से। सिंपल आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा मीडिया कंट्रोल फॉर कास्ट डिवाइस। तो आप देख सकते हैं ये ऑफ है, तो बस आपको इसे ऑन कर देना है। अगर ऑलरेडी आपका ऑन है तो अच्छी बात है, बट अगर ऑफ है तो आप इसे ऑन कर दें। अब आपने इसे एक बार ऑन कर दिया, अब होगा ये कि जैसा आपका डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस के साथ स्क्रीन कास्टिंग में कनेक्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के जरिए जैसे आप अलाउ करेंगे तभी आपके डिवाइस की स्क्रीन किसी दूसरे डिवाइस पे कास्ट होगी। यानी कि नोटिफिकेशन के जरिए आपको बताया जाएगा कि भाई आपकी डिवाइस की स्क्रीन किसी दूसरे डिवाइस पे कनेक्ट हो रही है। अगर ये ऑफ हो गया ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए इसे हमेशा ऑन रखें। सेटिंग नंबर दो, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आराम से समझिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि गूगल प्ले स्टोर से हम ऐप और गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं, बट कुछ वक्त के बाद गूगल प्ले स्टोर उन ऐप या फिर गेम को अपने स्टोर से हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर पबजी की, तो पबजी जब बैन हुआ था तो गूगल प्ले स्टोर ने अपने स्टोर से पबजी को हटा दिया, बट फिर भी पबजी कई लोगों के डिवाइस में इंस्टॉल थी और लोग गेम को खेल रहे थे, क्योंकि यहां पर गूगल प्ले स्टोर आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं देता है। अगर उसे लगता है कि किसी ऐप या गेम में वायरस है या फिर ये यूजर के डेटा चोरी कर रहे हैं तो वो तो अपने स्टोर से हटा देगा, मगर यूजर को नोटिफिकेशन नहीं देगा। तो इससे बचने के लिए एक ऐसा सेटिंग मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके स्मार्टफोन में जितनी भी ऐप है, क्या कोई ऐसी ऐप है जो आपके स्मार्टफोन में वायरस बना रही है या फिर वायरस डाल रही है या फिर कोई आपके डेटा चोरी कर रही है, सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको वो सेटिंग भी बता देता हूं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में। तो ये रहा सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन। सिंपल है, मैं यहां पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गूगल प्ले प्रोटेक्ट। तो सिंपल आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बस आपको स्कैन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपके स्मार्टफोन में जितनी भी ऐप है वो सारी स्कैन हो जाएगी। अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप आपने इंस्टॉल की है और अगर उसमें वायरस है या फिर वो आपके डेटा चोरी कर रही है या फिर वो ऐप गूगल प्ले स्टोर से हट गई है तो उस ऐप का नाम भी यहां पर आपको दिखाई देगा। अब तीसरा सबसे खास और अहम सेटिंग, भाई ब्लास्ट वाली इफेक्ट लगाओ। देखिए अगर आपका जीमेल कुछ साल पुराना है और आपको लग रहा है कि आपने अपने जीमेल से काफी सारी भसड़ मचा के रखी हुई है, कई सारी ऐप और गेम में आपने उसे लॉगिन करके रखा हुआ है, तो कैसे पता लगेगा कि आपका जीमेल कितनी ऐप और गेम में अभी भी लॉगिन है या फिर कनेक्टेड है? तो यहां पर मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूं उससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जीमेल अभी तक कितनी ऐप
वेबसाइट या फिर गेम में कनेक्टेड है और आप वन क्लिक में उसे डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। मगर ये सेटिंग बताने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तो चलिए बताता हूं कि वो सेटिंग आपको कहां मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है गूगल अकाउंट में, जहां पर हम पहली बार गए थे। तो सिंपल ये रहा गूगल अकाउंट। यहां पर जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग फॉर गूगल एप्स में, तो यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कनेक्टेड एप्स। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल जिन जिन ऐप और गेम के साथ कनेक्टेड है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट यहां पर आ जाएगी। अब अगर आप किसी ऐप से या फिर गेम से अपने इस जीमेल को डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप उस पर क्लिक करें और डिसकनेक्ट पर क्लिक कर दें। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल उस ऐप और गेम से डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने एक बेस्ट फ्रेंड को, 1, 2, 3 जितने भी आपके बेस्ट फ्रेंड है उसे शेयर कर दीजिएगा। और वो भी बंदा अगर ये वीडियो लास्ट तक देखेगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि यस मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे वीडियो शेयर किया है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा अपने एक बेस्ट फ्रेंड को। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नए नए ऐप्स के बारे में, नए नए ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपल है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।